नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक में विभिन्न बिंदुओं और विकास कार्यों पर चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख अजमतगढ़ वंदना सिंह ने किया और 2018-19 के विभिन्न कार्यों पर चर्चा परिचर्चा की। वहीं पर प्रदेश और केंद्र सरकार के विकास और जनहित योजनाओं पर उन्होंने जानकारी दी। ब्लॉक प्रमुख वंदना सिंह ने अपने ग्राम प्रधानों क्षेत्र पंचायत की समस्याओं को सुना, उसका निदान करने का उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि जो भी बाधाएं आती हैं, सरकारी योजनाओं को उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम उस पर उच्चाधिकारियों से बात करेंगे, विकास कार्यों को गति देने का काम करेंगे। पूरे जिले में मेरी सोच है कि अजमतगढ़ ब्लॉक एक नंबर पर हो। वहीं पर प्रमुख वंदना सिंह ने बैठक की कार्रवाई की पुष्टि पर विचार किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वर्ष 2019-20 पर विचार अनुमोदन भी किया। अजमतगढ़ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रमुख जी की तरफ से क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत की कार्य योजना को इसमें सम्मिलित करते हुए जिला स्तर पर भेजना था। और क्षेत्र पंचायत की बैठक में खंड विकास अधिकारी एवं प्रमुख महोदया के द्वारा क्षेत्र पंचायत की बैठक सम्पन्न कराई गई तथा इस बैठक में कार्य योजना को सर्वसम्मति से पारित करते हुए खंड विकास अधिकारी को प्रेषित किया गया। और इस नए साल पे सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं निर्वाचित सदस्य एवं सम्मानित सदस्यों को नए साल की शुभकामना मंगलमय। कुछ समस्या भी सामने आई कि उसका निस्तारण कैसे किया जाएगा, कुछ समस्या निकल के आई है बैठक में? समस्या आई है उसके निस्तारण के लिए सारे सदस्यों को हमने बता दिया है कि आप अपनी समस्या को लिखित रूप से हमारे यहाँ प्रस्तुत करें। मैं खंड विकास अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आपकी समस्या को। इस बैठक में प्रदेश सरकार की विभिन्न बिंदुओं पर जो जन कल्याणी योजनाएं हैं उस पर भी चर्चा की गई होगी। हाँ, इस पद्धति पे जैसे शौचालय के विषय में चर्चा हुई, मनरेगा के विषय में चर्चा हुई, ग्राम प्रधानों को खंड विकास अधिकारी के द्वारा प्रथम खाते से कैसे कार्य कराया जाना है उसके बारे में खंड विकास अधिकारी द्वारा सभी ग्राम पंचायत अध्यक्ष एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बताया गया कि आप शासन के मंशानुरूप कैसे कार्य करना है। इस गाइडलाइन खंड विकास अधिकारी द्वारा सभी सदस्यों और ग्राम प्रधानों को बताई गई। विकास खंड अजमतगढ़ के सभी हमारे सम्मानित प्रधान जी लोग और सभी ग्राम प्रधान जी लोग की बैठक थी और सदन पूरा भरा हुआ था, जिसमें सरकार की प्राथमिकता में हमारे जो ग्राम पंचायत विकास योजना है, जिसको GPDP भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उनके बारे में विस्तार से बताया गया। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जो स्वच्छ शौचालय बनवाने के लिए और जो हमारे वंचित परिवार छूट गए थे शौचालय के, उनकी भी सूची, उनकी भी धनराशि आ गई उनको भी देने के लिए, उनका भी शौचालय बनाने के लिए। कायाकल्प योजना अंतर्गत विद्यालयों का रख रखाव उसका और बालक बालिकाओं के लिए शौचालय बनाने के लिए, यूरिनल बनाने के लिए व्यवस्था, आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय बनाने के लिए व्यवस्था, ये बताया गया। पाइप पे जल योजना के बारे में विस्तार से बताई गई। मनरेगा योजना अंतर्गत उसकी लेबर बजट पास कराया गया, जिसमें कहते हैं विगत वर्षों में 18 करोड़ का यहाँ लेबर बजट था, इस साल कहते हैं उसको सरकार ने और 1.25 गुना किया है, तो उसका भी लेबर बजट सदन में पास कराया गया। जिस तरह से योजनाएं चल रही हैं उसमें लापरवाही मिलने क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? ये जहाँ पास लापरवाही हो रही है वहाँ कार्रवाई हुई है। अभी एक आपको मालूम है कि अभी स्वरूपपुर प्रधान मनरेगा में लापरवाही की, वो जेल में अभी भी है, उनका जमानत नहीं हो रही है। सर, अजमत ब्लॉक ODF हो चुका है? देखिए, हमारा जो जनपद ODF हो गया है, लेकिन उसमें अभी हम लोगों ने सब ODF का प्रस्ताव दिया है, उसके लिए कई चरण हैं। हमारी गांव पंचायत से उसका प्रस्ताव गया है। अब जो हमारे कहते हैं जो जिले की टीम है वो सत्यापन कर रही है, उसके बाद हमारी मंडल की टीम कर रही है। टोटल कितने ग्राम सभाएं हैं हमारे, कितने शौचालय बनने हैं, कितने बन गए हैं, कितने बाकी हैं? ये हमारे यहाँ कहते हैं टोटल 103 गांव पंचायतें हैं विकासखंड में, और 26,000
600 समथिंग हमारे शौचालय बनने थे, सारे पैसे मिल गए हैं। और हमारा 26,000 में कितने बन गए हैं, कितने हमारे 90% शौचालय बन गए हैं और निर्माणाधीन है, वो भी 31 दिसंबर के अंदर तक सब बनने तैयार हो जाएंगे। और जो हमारे वंचित रह गए हैं उनके लिए भी पैसा आ रहा है, वो भी बनाए जा रहे हैं। ये सदन के माध्यम से सभी प्रधान जी लोगों को कह दिया गया है और उनका मांग पत्र भी मांगा जा रहा है। तो निरीक्षण कहाँ कहाँ किया जा रहा है आप द्वारा? कहीं कहीं सर सुनने में आ रहा है कि विकास खंडों में विकास अधिकारी द्वारा और आप लोगों के माध्यम से जो पात्र गृहस्थी के उपभोक्ता खाद्यान्न के, उनको खाद्यान्न रोक दिया गया है। क्या ये लिखित आदेश सर है कि मौखिक? काहे का खाद्यान्न रोक दिया गया है? कोटेदारों द्वारा कि ये कहा गया है कि आदेश है कि जो शौचालय नहीं बनवाए हैं उनका खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, कारण ये है कि देखिए स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत हर गांव में शौचालय बनने हैं, हर परिवार को शौचालय बनने हैं। आप जानते हैं कि गांव में बहुत कुछ आदमी किसी एक घर है कि कोई ये नहीं है कि कहते उनको राशन दिया जाए, कोई हटवादिता होता है जिनको शौचालय बनाना है। अगर वो बाहर शौच करने जा रहा है तो गंदगी करा रहा है, सरकार की योजनाओं पर अवक्षेप लगा रहा है, मनमानी कर रहा है, तो इसलिए उनको एक डर भय के लिए कि बनाने के लिए कि भाई आप शौचालय बना लीजिए। कोई लिखित आदेश नहीं? नहीं, ऐसा कोई नहीं, एक माहौल क्रिएट किया है वातावरण कि आप इस योजना से हो और आप जो बीमारी लेके आते हैं, जो आप अपने परिवार को कहते हैं हर महीना डॉक्टर के यहाँ लगे रहते हैं, वो बीमारी दूर हो। बाहर खुले में शौच करने कोई अधिनियम नहीं है कि आप खुले में शौच करें, कोई शासनादेश है सर? क्या कोई शासना? सर जो जिनका शौचालय हो चुका है वो बाहर शौच करना चाहते हैं, उनकी किस निगरानी रखी जाएगी? नहीं नहीं, देखिए इसके लिए निगरानी समितियां गठित हैं। निगरानी समितियां हमारे महिलाओं की हैं, बच्चों की हैं, पुरुषों की हैं, तो उसमें सब लोगों को कहा गया है कि भाई आप खुले में शौच करने ना जाएं। और मैक्सिमम लोग जो हमारे हैं अब सब जिनके शौचालय बन गए हैं सब शौचालय का प्रयोग करने लगे हैं। शायद 2% अपवाद स्वरूप हर जगह है, वो भी है चरण में आ रहे हैं और सीधी कहते हैं योजनाओं में आच्छादित हो रहे हैं और ये सब सरकार की मंशा के अनुरूप काम हो रहा है। और अभी हमारे गांव में शौचालय की डस्टबिन वगैरह लगाई जा रही है, हाँ, सूखा कचड़ा के अलग, गीले के लिए अलग, उसका निष्पादन करने के लिए कहते हैं हम लोग मनरेगा से कहते हैं गड्ढे खुदवा रहे हैं, वहाँ भी उसका निष्पादन होगा। स्वच्छता में हमारा जो मिशन है वो जरूर पूरा होगा, हम लोग सब लगे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है, हमारे जिला अधिकारी महोदय बहुत अच्छे हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, उन्हीं का मोटिवेशन है जो आज हमारा जिला नीचे पायदान से ऊपर हो गया है। ठीक है, आजमगढ़ से सीआईबी इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अंकित सिंह। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।